चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड का। इनका अपन ने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है, काफी पॉपुलर कंपनी है। करंट प्राइस चल रही है 1589.05 रुपीज की, जो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। बुक वैल्यू है 370 रुपीज की। पेट्रोल्स की स्कोर है 6 का। ये जो कंपनी है बेसिकली काफी पॉपुलर कंपनी है। लेड एसिड बैटरीज इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं और काफी पॉपुलर है ये कंपनी। तो अपन ने इसको डिस्कस किया हुआ है पहले, तो अपन और देख लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो रिटर्न इक्विटी लो है, 14% का है लास्ट 3 ईयर्स से, और कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। अब अगर अपन इधर देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें अगर अपन, तो 228 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, उसके पहले 253 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हर ईयर इनको प्रॉफिट होता है और अच्छा खासा बड़े लेवल पे प्रॉफिट कर रहे हैं। 253 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले 214 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 192 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगातार यहाँ प्रॉफिट में है कंपनी। अब यहाँ पे अगर अपन ईयरली बेसिस पर देखें तो 906 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट जंप है 694 करोड़ से लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी अच्छा जंप हो रहा है यहाँ पे, और हर ईयर इनका प्रॉफिट में है। तो कंपनी के फाइनेंसिस अच्छे हैं ओवरऑल। अगर अपन इधर बात करें कैश फ्लो, तो न्यूट्रल जीरो कैश फ्लो है, न्यूट्रल कैश फ्लो है यहाँ पे। 1314 करोड़ का सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा निगेटिव है 1072 करोड़ का। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, इंटरेस्टिंग बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 32.86% होल्डिंग मात्र प्रमोटर की है, उसके पहले 28.06% थी। तो ईयर बाई ईयर इन्होंने इंक्रीज किया है। उसके बाद में 24.46% FIIs की होल्डिंग है, DIIs की होल्डिंग है 15.36% की, और पब्लिक होल्डिंग है 27.33% की। ये थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है, तो थोड़ा केयरफुल रहने वाली चीज है। हमने जो अपना व्यू बनाया है वो है कि हम 1700 के बाद ही कुछ भी प्लान कर रहे हैं। 1700 के बाद ही हम देखेंगे क्या होता है। क्वांटिटी का हमेशा की तरह ध्यान रखेंगे, और साथ में हमेशा आपको अपने SL का 1% का SL होना चाहिए। क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो 1% का SL कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी, 1% का अगर SL लगता है तो कितना होगा। और हमेशा हमेशा अपना फ्रेश एनालिसिस देख करके व्यू बनाएं। ये हमारा फ्रेश एनालिसिस है कि 1700 के बाद ही हम कुछ भी व्यू बनाएंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है इसमें आगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।